किसान भाइयों, आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ अपने यहाँ पर जो आम के पेड़ हैं उन पे किस तरह से जो है फ्लावरिंग हुई है, कितने अच्छे प्रकार से यहाँ पे मॉल वगैरह जो है सब कुछ आया है और आम जो है बनना स्टार्ट हुआ है या नहीं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और आज आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक का प्लांटेशन दिखाएंगे और सब कुछ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरे कितने प्लांट्स पे इस समय फ्लावरिंग है और कितने अच्छे से जो है इन पे फल लगने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी प्लांट्स पे जो है बहुत अच्छे से जो है फ्लावरिंग हुई है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि सामने आप देख रहे हैं उस पे जो है फ्लावरिंग भी हुई है और जो है वो अच्छे से उसमें नई नई जो है ब्रांचें भी निकली हैं, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहे और उस पे अगले साल भी अच्छे से फल लगे। जैसे कि ये प्लांट्स भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ये प्लांट्स भी देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही है। इसमें नई नई जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रांचें निकली हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं किसान भाइयों जिन पे फ्लावरिंग ही बहुत ज़्यादा हुई है और नई ब्रांच जो हैं अगले सीज़न के लिए बहुत कम बनी हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारे प्लांट्स हैं इन पे जो है नई ब्रांचें जो हैं बहुत कम निकली हैं और ये जो सभी में जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हुई है और जो है आम बनना स्टार्ट भी हो चुका है। कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, कुछ छोटा है और कुछ बड़ा है, सभी में जो है बहुत अच्छे जो है आम बनना स्टार्ट हो चुका है। और पूरे प्लांट्स का मैं आपको व्यू देता हूँ और इधर से मैं आपको सामने वाला प्लांट्स भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। और इसमें अभी जो है यहाँ पे हमने गेहूं भी लगाया था, जैसे आप देख सकते हैं गेहूं भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं फोकस। तो किसान भाई, ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है और कुछ प्लांट्स इस बार जो हैं सिर्फ फूट करके आए हैं, यानी कि अगले जो है सीज़न के लिए तैयारी में हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको इधर दिखाता हूँ थोड़ा, जैसे कि ये कुछ प्लांट्स हैं जिन पे जो है अभी जो फ्लावरिंग नहीं हुई थी और जो ये अगले सीज़न जो है इन पे फ्लावरिंग होगी। और बाकी सब जो है आप देख सकते हैं इधर, सब में मैं आपको व्यू देता हूँ उधर से, ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है सभी में फ्लावरिंग हो चुकी है। काफ़ी अच्छा इधर से व्यू आ रहा है आपको, देख सकते हैं। और अभी जो है किसान भाइयों, ये सामने देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है रेड कलर का जो है यहाँ पे फ्लावरिंग है इस प्लांट्स के अंदर, देख सकते हैं इधर से। तो अभी जो मैंने ये आपको दिखाया है पूरा इधर से व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है इसमें जो है अभी तक जो सभी प्लांट्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो है लंगड़ा किस्मत होती है वह जो है ये प्लांट्स हैं, लंगड़ा का प्लांट्स आप बोलते हैं, ये किस्मत होती हैं। तो ये उसका प्लांट्स है, आप अगर चाहते हैं इसका प्लांट्स ख़रीदना तो हमसे भी बाय कर सकते हैं और आप अपने पास की नर्सरी से भी जो है ऑनलाइन ले सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छे से जो है आपको समझ में आया कि प्लांट्स पे कितने अच्छे से जो है हमारी फ्लावरिंग हुई है। और अगर आप चाहते हैं इन पे के मैं कौन सा स्प्रे यूज़ करता हूँ, कौन सा जो है इस पे मैंने अभी तक स्प्रे यूज़ किए हैं इस समय तक, और जो आम का फल गिरता है मोल गिर जाता है उसके लिए अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाई जाए तो मैं पूरी वीडियो आपको बना के दे दूँगा, आप कमेंट कीजिएगा। और कोई भी अगर आप चाहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं आपको सारे प्लांट्स दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।